मैं आज वर्ग दसम में विषय हिंदी स्पर्श पढ़ाने जा रहा हूँ। हिंदी स्पर्श पाठ्यपुस्तक में मनुष्यता नामक कविता है, जो जिसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। बच्चों, कविता का नाम है मनुष्यता। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मानवता की खूबी, मानवता के बारे में बताया गया है। और उन्होंने यह कविता मानव को, मनुष्य को यह सोचना चाहिए, अपने आप में मनुष्यता का विकास करना चाहिए, मानवता का विकास करना चाहिए। यदि मनुष्य में मनुष्यता है तो सब कुछ है, और मनुष्यता नहीं है तो कुछ भी नहीं। अतः लेखक हमें प्रेरित करते हुए कहना चाहिए कि तुम एक मनुष्य हो तो सोच लो कि तुम्हें मनुष्यता भी होना जरूरी है। अगर तुम्हें मनुष्यता नहीं है तो तुम जानवर से भी गए गुजरे बदतर प्राणी हो। तुमसे वफादार कहीं अधिक विश्वासी जानवर है। तो कभी है कविता का है, विचार लो कि मर्त हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। लेखक कह रहे हैं कि मानव मरणशील प्राणी है, एक न एक दिन मर जाना निश्चित है, तो तुम मरो। जब मरना निश्चित है तो तुम इस तरह अपना मृत्यु स्वीकार करो कि तुम्हारे मृत्यु होने के बाद भी लोग तुम्हें याद रखे, तुम्हारी चर्चा करे, उनके दिल में, उनके मन में तुम्हारा स्थान हो, लोग तुम्हारी गाथा का स्मरण करें। हुई नहीं हो तो मृत्यु जो वृथा मरे वृथा दिए, मरा नहीं वही की जो दिया न आपके लिए। कहने का अर्थ है कि मानव वही है जो मानवता के साथ औरों की काम आए। इस पंक्ति के द्वारा लेखक ने कहा है कि तुम्हारा जन्म कुछ ही मकसद से ईश्वर ने इस संसार में किया है। अतः तुम्हारे जन्म, अपने जन्म को वृथा नहीं कियो, कुछ औरों के लिए, कुछ देश के लिए, कुछ समाज के लिए, कुछ परिवार के लिए करो। तुम्हारे जाने के बाद चारों ओर तुम्हारी जय जयकार हो। और वही पशु प्रवृत्ति है जो कि आप ही चले, वही मनुष्य है कि मनुष्यता के लिए मरे। पशु को देखिए, पशु प्रवृत्ति का मतलब है कि पशु अगर मैदान में चल रहा है तो वह सोचता है कि केवल हम ही चले, हमारे साथ कोई दूसरा जानवर प्राणी अगर आ जाए तो उसको मारने के लिए दौड़ता है, क्योंकि वो समझता है कि हमारा चारा ही खा जाएगा। यही पशु प्रवृत्ति है, जो अपने हित के बारे में सोचता है, यह पशु प्रवृत्ति। मानव मनुष्यता वही है कि मरना है तो तुम औरों के लिए, देश के लिए मरो, वतन के लिए मरो, तुम्हारा मरना सार्थक होगा। और अपने भी खाओ, अपने भी चरो, औरों को भी खिलाओ, औरों को भी आगे बढ़ने का मौका दो, किसी से जलन, किसी से ईर्ष्या मत करो। उसी उदार की कथा, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से वह कृतार्थ सद्भाव मानती। इसी उदार की, इसी उदार की स
सदा सजीव कीर्ति पूजति तथा उसी उदार की समस्त सृष्टि पूजति अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे वही मनुष्य है कि जो मनुष्यता के लिए मरे। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि मानव वही मानव है कि जो संपूर्ण सृष्टि में सभी मानव को अपना समझे, सभी के साथ मानवता का व्यवहार करे और उसको सुख और प्रेम बांटे, वही मनुष्य है, वही उसमें मनुष्यता का भाव है और उसी की कीर्तियाँ, उसी की शोहरत, उसी की गाथाएँ सारी धरती पर सारे लोग वर्णन करते रहते हैं, क्योंकि वे औरों के लिए जीते हैं, परोपकार के लिए जीते हैं, लोगों का सम्मान और रक्षा करना उनका मकसद होता है, उनकी कीर्ति आने वाले सदियों साल तक चलती रहती है। अब है सुधार्थ रतिदेव ने दिया करस्त खाल भी तथा सभी तीने दिया परार्थ हस्त जाल भी। उसी नर से स्वमान दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर धर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कहने का अर्थ है बच्चों कि इस पंक्ति के माध्यम से बता रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी कि महर्षि दधीची को देखिए, कर्ण को देखिए, ऐसे कितने भी महादेश के महापुरुष हैं जिन्होंने अपने शरीर की हड्डियां दान कर दी, अपना शरीर समर्पित कर दिया लोगों की भलाई के लिए, वृत्रासुर नामक राक्षस को वध करने के लिए जो इस धरती पर त्राही माम मचाए हुए था। महर्षि दधीची ने समझा, सोचा कि मेरी मृत्यु होने से अगर संपूर्ण जग का कल्याण होगा तो मैं अपना ये अस्थि दान करने के लिए तैयार हूँ। अब कर्ण को देखो बच्चों, कर्ण आज इतिहास में अमर है। कर्ण ने अपना कवच कुंडल तक दान कर दिया, इसलिए दानवीर कर्ण के नाम से उपाधि मिला और आने वाले समय में उसे लोग याद करते हैं, क्योंकि कर्ण ने किसी को दान दिया, किसी से कुछ दान लिया नहीं, इसलिए दाता का नाम ऊंचा हो जाता है, लेने वाले का नाम नीचा हो जाता है, वो पलड़ा हमेशा उसका बीच रहता है। तो बच्चों मानव वही है जो परोपकार के लिए जीते हैं, औरों के सुख दुख में काम आते हैं, वही मनुष्य है, वास्तविक मनुष्यता इसी को का नाम है। अब सहानुभूति चाहिए बसीभूत है ही, बसीकृत सदैव है बनी हुई स्वयं नहीं यही। विकट विरुद्धवाद बुद्ध का दाव प्रवाह में जहां बहा, विनीत लोक वर्ग क्या नशा में झुका रहा। आहा, वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कहने का तात्पर्य है कि जो उदार व्यक्ति है, जो अपने जीवन में औरों की के भलाई में, औरों के उपकार में अपना काम, अपना योगदान देते हैं, उनकी शोहरत, उनकी कीर्ति आने वाले समय तक लोग चर्चा में करते रहते हैं, वही मनुष्य है जिसमें सहानुभूति का गुण हो। कहने का अर्थ है कोई यदि दुखी प्राणी हो तो उसके दुख को बांटने का कोशिश करो, उसे धैर्य देने का कोशिश करो, उसे मार्ग से भटकने मत दो, कोई राह के लिए अनजान है तो उसे सही राह का ज्ञान दो, यही मानवता का धर्म है। तो पथ से भ्रष्ट लोगों को पथ पर लाने का प्रयास करो, यही मानवता है, यही मनुष्यता है, ये गुण जिसमें है वही महान है, वही उदार है। अब है अगला लाइन जो यही
रहो न फूल के कभी मधोदूत वित्त में सनात जान आपको करो नगर चित्त में अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोक नाथ साथ है दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है अतीब भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि मानव को मैत्री शरण गुप्त जी कहते हैं कि जो मानव अपने धन और ज्ञान के ऊपर अपनी पहचान के ऊपर अपने ताकत शारीरिक क्षमता के ऊपर औरों को परेशान करते हैं औरों को नीचा दिखाते हैं शोषण करते हैं वैसे लोगों से दूर रहो क्योंकि एक दिन मानव का सर्वनाश हो जाना है फिर उसे लोग कभी नहीं याद करेंगे। मानवता इसी में है कि औरों के दुख में सहयोग करो उसकी जरूरत आवश्यकताएं जिसके कारण से वह परेशान है हो सके तो तुम उसे पूरा करने का प्रयास करो इसी में मानवता है इसी में भलाई है। अब अगला लाइन कह रहा है कि बड़ा अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है करे समक्ष ही स्वबाहु को बड़ा रहे बड़े बड़े परस्पर अवलंब से उठो तथा बढ़ो सभी अभी अमंत लोक में अपंग हो चढ़ो तभी रहो नयो की एक से न काम और क्या करे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बच्चों मैत्री शरण गुप्त जी कहते हैं कि इस धरती पर जितने भी प्राणी हैं सबको ईश्वर ने बनाया है सबको ईश्वर ने अपना कुछ न कुछ गुण स्वरूप जीने का राह दे दिया है बस उसे कर्म करना है और अग्रसर होता रहेगा ऐसे मनुष्य में ईश्वर का प्राण है ईश्वर का कीर्ति है ये सारे मानव एक ही ईश्वर की संतान है उनका रक्षक हमारे भोलेनाथ हैं हमें उन सब के साथ समानता का सद्व्यवहार करना चाहिए मानव को हमेशा उनके सुख दुख में सहयोगी बनकर उसका साथ निभाना चाहिए यही सबसे बड़ा धर्म है यही सबसे बड़ा कर्म है यही सबसे बड़ा मजहब है। धन्यवाद बच्चों रेस भाग कल पढ़ाएंगे। फर्स्ट पार्ट के मनुष्यता नामक शीर्षक पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ इस कविता के लेखक श्री मैत्री शरण गुप्त जी हैं। लेखक हम लोगों को इस कविता में मनुष्य को मनुष्यता से सीख लेने की प्रेरणा दी है और मनुष्यता का व्यवहार करना चाहिए यह सीख दिया है। अब आगे क्या कह रहे हैं वो समझिए कि मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य ही मनुष्य का मित्र होता है और मनुष्य इस धरती पर सबसे बड़ा विवेकशील प्राणी है मानव सबसे बड़ा समझदार प्राणी है फिर भी मान पुराण पुरुष स्वयं भू पिता भी एक मानव के रूप में जन्म लिए थे। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है परंतु अंतरिक में प्रभावपूर्ण वेद है अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य तक के लिए मरे। बच्चों आज ये लेखक बता रहे हैं कि वही भाई अपना भाई कहलाता है जो अपने भाई की व्यथा को कष्ट को न समझे जो अपने भाई की कष्ट को समझता है और उस कष्ट को दूर करने का प्रयास करता है ऐसे को ही भाई कहते हैं। नहीं तो ऐसे इस धरती पर कोई किसी का नहीं सुनने वाला है ना ही उसकी समस्या का हरण करने वाला है। मनुष्य जैसा कर्म करते हैं वैसे फल की प्राप्ति करते हैं अतः हमें मनुष्य के साथ अच्छे कर्म करना चाहिए।
क्योंकि ईश्वर ने मानव को कर्म रूपी जंजीर से बंध दिया है। लोग जैसे कर्म करेंगे वैसे फल प्राप्त करेंगे। अतः हमें अच्छा कर्म करना चाहिए, सभी के साथ मनुष्यता का व्यवहार करना चाहिए। चलो अवेष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें धकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। हमें इस धरती पर अच्छा काम करना चाहिए, अच्छे वातावरण का निर्माण करना चाहिए, आपस में लोगों के साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहिए, हमें आपसी भाईचारा कभी नहीं तोड़ना चाहिए, किसी से कोई मनमुटाव क्लेश नहीं करना चाहिए, सभी के साथ समभाव समदर्शी की भावना रखना चाहिए और सच्चे मानव को सच्चा सेवा करना चाहिए। यही सबसे बड़ी मानवता है। जो ऐसे लोग होते हैं वही सबसे महान मानव कहलाते हैं, जो मानव के सुख दुख में एवं उनके विपत्ति की घड़ी में और उनके मान मर्यादा की रक्षा के समय में खड़े हो जाते हैं, वही सबसे तपस्वी और सच्चे मानव है जिनमें मनुष्यता का गुण होता है। अब बच्चों इनका प्रश्न आंसर बनाओगे, सारे प्रश्न इसमें छिपे हुए हैं कि कवि ने कैसी मृत्यु को सिमट मृत्यु कहा। अरे मरना है तो मरो देश के लिए, जो देश के लिए मरते हैं वो ऐसे मृत्यु को मैथिली शरण गुप्त जी ने सुमृत्यु कहा। अभी देखिए जो देश के लिए कितने वीर शहीद हो गए, जो सरहद पर रक्षा कर रहे थे, दुश्मनों के जवान से लड़ रहे थे। तो कैसे मृत्यु को सुमृत्यु कहा है, अच्छी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है, जो देश के लिए वतन के लिए धर्म के लिए मर जाते हैं रक्षा करने के क्रम में, उन्हें सुमृत्यु कहा है। उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है। अब देखो जी व्यक्ति की पहचान के लिए तो कोई न थर्मामीटर है, न कोई स्केल है, न कोई तराजू है, व्यक्ति की पहचान को कैसे नाप सकते हो तुम। ये तो अपने नज़र की बात है और अपने अपने विचार की बात है कि किसके कार्य क्षमता पर तुम्हारा कैसा दृष्टि है, तुम्हारा उसके प्रति विचार क्या है, आचरण क्या है, यही इसका सबसे बड़ा पैमाना है, सबसे बड़ा स्केल है, सबसे बड़ा इसका मीटर है। तो उदार व्यक्ति कैसे होते हैं, तो जो व्यक्ति युद्ध के समय में अथवा कर्म करने के समय में आगे आगे रहे, कोई लोभ लालच से किसी काम को न करे, पहली बात। दूसरी बात है कि सभा में सभी जगहों पर अच्छे बात की प्रशंसा कर, अच्छे बात का प्रचार प्रसार करें, किसी से ना डरे, ये। उसके बाद अपने परिजनों को, अपने लोगों को अपने समान समझे, यही उदार व्यक्ति की सबसे बड़ा पहचान होती है। कवि ने दधीची कर्ण और महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया। अब देखिए महर्षि दधीची की बात की चर्चा हो रही है, कर्ण की चर्चा हो रही है, ये दोनों तो अपने अपने कारनामों से इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए अमर हो गए हैं, इन्हें कोई न मिटा सकता है ना तो कोई इसे भुला सकता है। तो कहने का तात्पर्य है इसमें कर्ण था, कर्ण की कहानी बड़ी लंबी कहानी है, दधीची महाराज की कहानी बड़ी लंबी कहानी है, दोनों की कहानी को समझोगे सुनोगे तो दंग रह जाओगे। दधीची ने वृत्रासुर राक्षस को समाप्त करने के लिए अपने शरीर का प्राणांत कर दिया और अपने बैकबोन का, अपने शरीर के बैकबोन का उन्होंने धनुष बनवाने के लिए दान कर दिया और उनके बैकबोन से धनुष का निर्माण हुआ, जिससे वृत्रासुर राक्षस की वध हुई थी और जान मारा गया और युद्ध में हार हुई और देवताओं का साम्राज्य बचा। तो है काम आदमी का औरों के लिए काम आना, वही सच्चे मानव है। हमें ऐसे मानव को उदार मानव कहते हैं और महान मानव कहते हैं जो किसी औरों के लिए, परोपकार के लिए, देश की सुरक्षा के लिए समर्पित हो जाते हैं। अब है
मनुष्य मात्र बंधु है उसे आप क्या समझते हैं? मनुष्य मात्र बंधु है, भाई है, अपनापन है, अपना है, हाथ है, शक्ति है। तो व्यक्ति की जो भी गरिमा होती है उनके कार्य से होती है, उनके गुण से होती है, उनके त्याग से होता है। ऐसे व्यक्ति बड़े व्यक्ति होते हैं और महान होते हैं, जो बड़े बड़े काम करते हैं, बड़े बड़े काम का योगदान देते हैं और उनके लिए काम आते हैं। कभी ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? हमारे देश के बड़े बड़े महान लोग ने भी एक होने की प्रेरणा दी है। कवि ने भी हमें कविता के द्वारा उस समय में कहा, जिस समय में देश हमारा बिल्कुल परतंत्र था, सभी भारतवासियों को एक होने के लिए कहा कि तुम सब जब तक एक नहीं होगे तब तक अंग्रेज यहाँ से नहीं भाग सकता है। सबसे पहले तुम सब आपस में सब संगठित हो, जब तक तुम लोग आपस में एक नहीं होगे तब तक अंग्रेज नहीं भाग सकता है। तब भारतीयों को एक करने की प्रेरणा एक किया गया था। तो हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, हैं? जैसे दूध और पानी मिल जाता है, हैं? हवा और खुशबू मिल जाता है, ये पहचान व्यक्ति को अपने कर्मों से मिलती है। हमें भी अपने कर्म क्षेत्र में महापुरुष बनना चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए, तभी जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगला है, मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि संदेश देना चाहते हैं कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख में काम आना चाहिए, लोगों के जरूरतमंद आवश्यकताओं के समय में जहाँ तक हो सके उसे मदद करना चाहिए, सबके साथ सद्व्यवहार करना चाहिए, मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, किसी से क्लेश ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं रखना चाहिए, तभी हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश ऊंचा उठ सकता है, आपस की गहराई मिट सकती है, आपस का खाई समाप्त हो सकता है। जब तक आपस में मनुष्यता की भावना का विचार का विकास नहीं होगा तब तक हमारे समाज का बदलाव नहीं होगा, तब तक हमारा देश आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। जब तक मानव में मानवता का गुण न हो, मनुष्य में मनुष्यता का गुण नहीं हो, तब तक वह कुछ भी नहीं कर सकता है। धन्यवाद बच्चों, अब इनका प्रश्न आंसर आप समाधान करोगे, ये आगे जो समस्या होगी समाधान करेगी।